हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल मौर्य, आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट करेंट इश्यू के बारे में, जो कि प्रेजेंट टाइम में हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है डिबेट, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका नाम क्या है बच्चे? नजूल। ये बिल है जिसे योगी गवर्नमेंट ने अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, मानसून विधानसभा में पेश किया है और विधानसभा से ये पारित हो गए, विधान परिषद में जनरली इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसको जनरली इस बिल को के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक मत बनाया और इसको रिव्यू के लिए। तो हमें इस बिल को समझना है कि रियल में इस बिल में है क्या, इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसको लेकर ये डिबेट काफी चर्चा में चल रहा है। और साथ में हमें ये समझना है कि कौन क्यों इसको, बीजेपी के ही जो मेन विधायक हैं, कुछ विधायक ने इसका अपोज कर दिया, या उनके अलायंस में जो कुछ हमारी पार्टीज हैं उनके लीडर्स ने इसका अपोज, ठीक है, अपोजिशन तो अपोज कर ही रहा है, साथ में बीजेपी के साथ या जो भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के अलायंस में जो पार्टीज हैं उनके इसका अपोज कर। अगर आप देखें तो सबसे पहला नाम बीजेपी के ही विधायक है हर्षवर्धन वाजपेयी, उन्होंने इस बिल का अपोज किया है विधानसभा में। तो हमें उस बात को थोड़ा समझना है कि ये बिल में ऐसा क्या है, ये नजूल संपत्ति विधेयक होता क्या है बच्चे? अगर देखें तो नजूल लैंड रिफर्स टू गवर्नमेंट ओन्ड लैंड दैट वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस सच एज पब्लिक यूटिलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल, ठीक है। जनरली अगर आप देखें कि जो भी हमारे पास एक तरीके से ऐसी संपत्ति हुआ करती थी, जब ब्रिटिश राज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी पड़ी थी जिसका कोई अता पता नहीं था कि ये है, या ये कह दें राजाओं के पास बहुत सारी ऐसी संपत्ति थी जो आज़ादी के बाद ये नहीं पता कि ये किस संपत्ति थी, तो उस केस में गवर्नमेंट ने अपने अंडर में उसे एक्वायर्ड कर ली, ठीक है। आपको ये बात पता ही होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी देशी रियासतें थी जो जनरली एक एक करके अगर आप देखेंगे तो इंडिया से जुड़ी, ठीक है। तो वही बातें हमें यहाँ समझना है कि हमें विधेयक में ऐसा क्या है, या ये विधेयक है क्या, और हम थोड़ा सा समझते हैं। विधेयक का उद्देश्य अगर आप देखें इसमें क्या बताया गया है, विधेयक का उद्देश्य नजूल भूमि की रक्षा करना बताया गया है। इस विधेयक में क्या बताया गया है कि नजूल भूमि की क्या करता है, रक्षा करता है। तो फिर बात यह आती है कि नजूल भूमि का जनरली मतलब यह है कि दरअसल नजूल का मतलब ऐसी भूमि या भवन से है जो सरकारी दस्तावेज के आधार पर सरकार की संपत्ति है, शहरों या गांव में उनके नजदीक स्थित ऐसी सभी संपत्ति भूमि या भवन जो राज्य सरकार की है, भूमि या भवन जो राज्य सरकार की है नजूल संपत्तियां कहलाती हैं। गांव में हो चाहे शहर में हो, अगर आप देखें कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तो जनरली वो सारी जहां पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सरकारी दस्तावेज के आधार पर सरकार उसको अपने अंडर में रखी, ठीक है। इसमें वो सभी संपत्तियां भी शामिल हैं जिनके लिए सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित किसी कानून के तहत पट्टा लाइसेंस या कब्जा दिया गया है, कानून के तहत पट्टा लाइसेंस या कब्जा दिया गया है। कहने का सेंस इसमें वो सारी संपत्तियां भी हैं जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, लीज पे दे रखा है। अब लीज पे दे रखा है या पट्टे पे दे रखा है जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं, ये सारी संपत्ति क्या है, जनरली नजूल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो वो सारी बात आपको समझना है। अब अगर आप देखें तो लीज पे आज से तो प्रॉपर्टी को दिया नहीं गया है बच्चे। आप देखें तो देश आजाद होने पहले ही 100-150 सालों से प्रॉपर्टी को दे रखा है, ठीक है। जनरली अगर देखें तो उसमें आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों ने मकान भी बना रखा है। अगर ये विधेयक एक तरीके से जमीनी तौर पे एक्ट होता है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग, मतलब 20 लाख लोग तो आराम से क्या करें जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, इनके घर छिन जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से पहला रीजन तो यही है कि जो प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी गई है हम उन्हें कैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के अंतर्गत दे सकते हैं, या ये कह दें गवर्नमेंट उनसे कैसे छीन सकती है। पहला तो सबसे बड़ा रीजन यही दिखता है जनरली इस बिल का विरोध करने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसी बिल को थोड़ा और समझते हैं तो विधानसभा में इसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने मानसून सत्र के दिन जो बुधवार को था 31 जुलाई 2024 को इस बिल को क्या किया, पेश किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति
सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रबंधन और उपयोग जिसे कहते हैं विधेयक पारित किया गया। हालांकि गुरुवार को विधान परिषद ने इसे मंजूरी नहीं दी, विधान परिषद ने इसे मंजूरी नहीं दी और सत्ता पक्ष के सदस्यों के प्रस्ताव पे इसे सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। ठीक है, मतलब सत्ता पक्ष के ही लोगों ने क्या कहा। अब उसमें कौन मेन आएंगे, तीन लीडर्स आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, केशव जी और केशव प्रसाद मौर्या जी, और अगर आप देखेंगे तो योगी जी, और इनके साथ जो भी इस प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो हमारे इसके रिव्यू कमेटी के पास इसको भेज दिया गया। ठीक है, इवन अपोजिशन के कुछ लोगों ने तो सीधा कहा ये बिल ही नहीं आना चाहिए, इसमें आप इसे रिव्यू के लिए छोड़िए, ऐसा कोई बिल आना ही नहीं चाहिए। अखिलेश जी ने सीधे कहा ये बिल आना ही नहीं चाहिए, ये लोगों ये बहुत खराब बिल है, या ये कहिए कि लोगों को घर छीनने वाला बिल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम इसे एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, चलिए इस बात को भी आगे समझते हैं। रियल में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, जैसे इस बिल में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बताया गया है उसको। अकॉर्डिंग टू बिल, एक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ द एंटायर ओनरशिप ऑफ एनी नाजुल लैंड एंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ एनी प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, द लैंड मस्ट बी फॉर पब्लिक पर्पजेस। ठीक है, जनरली अगर इसको थोड़ा आप हिंदी में समझने की कोशिश करें, विधेयक के अनुसार कानून लागू होने के बाद, विधेयक के अनुसार ये कहा गया है कि जब ये कानून लागू हो जाएगा, ठीक, तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी नजूल भूमि को जनरली किसी निजी व्यक्ति की व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूरा मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। तो पूरा मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, इसके बजाय भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के जरूरी हो। ठीक है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाएगी। जैसे आप देखेंगे कभी कभी गवर्नमेंट्स के काम होते हैं तो उन पब्लिक प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के काम की कराए जाते हैं, या आप अगर देखें तो कभी कभी कुछ मैदान होते हैं जहाँ रैली वगैरह चलती है तो गवर्नमेंट के ही सारे प्रोग्राम हैं, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो भी करती है, या अदर अपोजिशन के जो लोग वो भी रैली वगैरह करते हैं, तो वो सब पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनकी उस पर्पज से जो यूटिलाइजेशन होगा वो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक ही उसका यूज करेगी। इस पर्पज से इस बिल को लाया जा रहा है, ये कहिए कि वो सारी प्रॉपर्टी नजूल भूमि है तो उनके उसी यूज के उद्देश्यों के लिए ये बिल जरूरी होगी। दूसरी बात अगर देखें तो विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि नजूल भूमि को निजी व्यक्ति या संस्थाओं, विधेयक में ये बताया गया है कि कोई भी निजी व्यक्ति या संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिए कोई भी अदालती कार्रवाई या आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि इस विधेयक में ये दिया गया है कि जो भी अगर अदालती इसमें जो भी अदालती कानूनी या कोई भी कार्रवाई होगी या कोई भी आवेदन किया गया होगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सरकारी नियंत्रण में रहे। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है तो ऐसे जमा किए जाने की इसे जमा किए जाने की तारीख से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR बोलते हैं कि ब्याज दर पर धनराशि वापस की जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कभी लीज किया रहा होगा, मान लीजिए आपने 2016 या 18 पे, मान लीजिए आपने सीधी सी बात समझे, मान लीजिए 30 अगस्त या 30 जुलाई 2018 को आपने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को लीज पे किया रहा होगा, आपने क्या किया उसे गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, चाहेगी इस बिल जब ये एक्ट होगा तो गवर्नमेंट चाहेगी अगर तो ये बिल उस जो भी आपने अमाउंट पे किया है उसे MCLR रेट से आपको इंटरेस्ट पे करके आपके फंड को रिटर्न कर सकती है और आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है और वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले सकती है। ठीक है, ये सारी बातें इस बिल में बताई गई। उसके बाद अगर देखें, यह सरकार को मौजूदा पट्टेदारों के लिए, एक पॉइंट और बताया गया है, क्या सरकार को मौजूदा पट्टेदारों के लिए पट्टे को बढ़ाने का अधिकार देता है। ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो
गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में चल रही है या जब भी आगे गवर्नमेंट चलेगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी, वह यह बिल जनरली उसको यह पावर देता है कि जो भी पट्टेदार प्रेजेंट टाइम में है, या गांव में देखे होंगे आप तालाब वगैरह पट्टे में दिया जाता है, ठीक है, तो जनरली जो भी पट्टेदार होंगे तो उन पट्टेदारों को उसे पट्टेदारी आगे कंटिन्यू करने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन ये भी किसके मन से होगा? गवर्नमेंट के मन से होगा। मतलब अगर आप रेंट कंटिन्यू सही टाइम पे करते गए, जो भी मान लीजिए साल, डेढ़ साल, दो साल के लिए आपको दे दिया गया, अगर आप उसको कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम पे करते गए और गवर्नमेंट के जो भी टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन उस पट्टे से रिलेटेड आए और उसे आपने फॉलो किया, तो अगर गवर्नमेंट को लगा तो उस पट्टे को आगे आप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट चाहेगी तो उस पट्टे को आपसे ले लिया जाएगा, मतलब उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले। अब यहाँ पे अगर देखें तो अब थोड़ा एक बार सोच के देखिए, ये बिल किसको जनरली पावर देता है कि वहाँ पे जो भी मान लीजिए कोई भी गांव हो गया, कोई भी शहर होगी, जो प्रॉपर्टी की देख रेख करता होगा उस इंसान को यह पावर देगा, अगर वो चाहे किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता, तो इस एक बहुत बड़ा करप्शन का रीजन ये बन जाएगा, ठीक है। इस वजह से भी इस बिल का विरोध किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि गांव में तो ये बहुत सारा इशू है कि आप देखेंगे प्रधान कभी देखेंगे, आप लेखपाल कभी देखेंगे, अभी ही प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है, कोई लेखपाल, कोई वीडियो, कभी प्रधान, ये सब एक दूसरे गांव वाले लोगों से पैसा लेते हैं हर बात के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने फ्री दे रखा है, बहुत सारी गवर्नमेंट इस दे रखी है लोगों से, एक भी रुपए फ्री आप कॉस्ट दिया जा रहा है, बट ये उस स्कीम का जनरली उपयोग करने के लिए भी लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है। तो जब प्रेजेंट टाइम में अभी ये चल रहा है तो ये बिल आएगा तो ये उनको और पावर देगा और वो लोगों से और भी ज़्यादा करप्शन का, मतलब ये टोटल अगर देखें तो एक करप्शन का बहुत बड़ा रीजन बनेगा और गरीब लोगों का फिर ये शोषण करेगा। तो इस वजह से भी इस बिल का बहुत अच्छे से विरोध चल रहा है। अब बात यह है कि वही फिर बात कि जनरली इस बिल में ऐसा क्या है जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन, तो इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोगों के लिए झगड़े का बिल बना हुआ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो झगड़े का रीजन बना हुआ। एक सबसे बड़ी बात है इसको आप समझिएगा, द कंटेंशन सराउंडिंग द बिल इज प्राइमरी ड्यू टू द प्रोविजन दैट अलाउ द गवर्नमेंट आइदर कंटिन्यू आर टर्मिनेट एग्जिस्ट बेस्ड ऑन कंप्लायंस विद एटलीस्ट टर्म लीज होल्डर्स मस्ट रिपोर्ट द डिटेल ऑफ देयर नॉजुल लैंड यू द डिस्ट्रिक्ट of the enactment, non-compliance could adversely affect. कहने का सेंस ये है बच्चे, अगर जिस दिन से भी ये जो नजूल संपत्ति विधेयक है, अगर ये जमीनी तौर पे एक्ट हुआ तो उसके 3 मंथ्स के अंदर ही आपको जो भी लीज पे प्रॉपर्टी ले रखे हैं या पट्टे पे नजूल प्रॉपर्टी ले रखे हैं उनको जाके जो भी उनके करीब में डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हो वहां पे ये बताना पड़ेगा कि हमने प्रॉपर्टी ली रखी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो फिर आगे चल के ले सकती है। तो वही सारी बातें, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा विरोध किया, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस नजूल लैंड बिल का जनरली अपोज कर रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग द एसपी एंड कांग्रेस हैव वॉइस टू स्ट्रॉन्ग अपोजिशन द बिल इन द उत्तर प्रदेश असेंबली। प्रोमिनेंट अपोजिशन आल्सो कम्स फ्रॉम फॉर्मर मिनिस्टर्स एंड जनसत्ता दल लोकतांत्रिक लीडर रघुराज प्रताप सिंह एलाइज राजा भैया, ठीक है, आप जानते ही होंगे जनसत्ता लोकतांत्रिक लीडर राजा भैया, ठीक है, जिन्हें रघु प्रताप सिंह नाम से भी आप जानते हों, इन्होंने इस बिल को लेकर भी अपोज किया है। उन्होंने इस बिल को बताया कि ये बिल लोगों के सही नहीं है, या ये कह दीजिए एक मिडिल कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में जा रहे हैं जो लीज पे प्रॉपर्टी ले रखे हैं, या ये जो पट्टेदारी वाले लोग होते हैं उनको जो पट्टे पे प्रॉपर्टी दी जा रही है उनके नहीं है, और ये जो गांव के लेवल में अगर हम इसे सोचें तो ये करप्शन का बहुत बड़ा रीजन भी बन जाएगा और वहां के अधिकारियों के लिए ये बहुत पावरफुल भी होगा और अधिकारी इससे बहुत पैसा भी वसूलेंगे, एक तरीके से टोटल सिस्टम में करप्शन जनरेट करेगा, ठीक है। और जनरली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल हु इज एन एलाय ऑफ बीजेपी,
समझ ही रहे होंगे, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर देखें तो अनुप्रिया पटेल जी ने भी क्या किया है, जनरली का अपोज किया। ठीक है, अनुप्रिया पटेल स्टेटेड दैट, उन्होंने क्या कर कहा है, द बिल इज अननेसेसरी एंड अगेंस्ट द सेंटिमेंट ऑफ कॉमन पीपल, द यूपी गवर्नमेंट शुड विदड्रॉ दिस बिल। यूपी गवर्नमेंट को इस बिल को विदड्रॉ करना चाहिए, कि लोगों के हित में नहीं है। ठीक है, ये मिला जुला टोटल लोगों का एक तरीके से रहा। ठीक है, तो इस बिल के बारे में आपको इतनी बातें समझनी है कि किस वजह से बिल को मतलब अपोज किया जा रहा है। अगर ये बात आप समझ गए तो आपके लिए सारी बातें हो गई। तो आज इतना ही, ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आप नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में बताएंगे। अगर ये आपको समझ आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में, ओके बाय, टेक।